दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय, लेकिन हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं, आपकी लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं। आप सभी दर्शकों के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि गुरु माँ जो है हमें छोटे छोटे उपाय बताएं, अभी हम कुंडली नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ और हर बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जब तक हम अपनी कुंडली के उपाय नहीं कर लेते तब तक हमारे जीवन में चमत्कार आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जब आप अपनी कुंडली के उपाय करते हैं, कुंडली के उपायों पर काम करते हैं, अपने ग्रहों को एक्टिवेट करवाते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो 12 घर है, हर घर कुछ कहता है, हर घर आपका कुछ कहता है और हर घर के कुछ कारक चीजें होती हैं, हर घर की वस्तुएं होती हैं, हर घर से संबंधित उसके रिश्तेदार होते हैं और हर घर जो है आपका कुछ ना कुछ आप उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे देखें क्या कहते हैं कि तीसरे भाव अगर उनकी हम बात करें तो तीसरा भाव आपका जो है वो पराक्रम का भाव होता है, तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन का भाव होता है, तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव होता है। अब तीसरे घर के कारक जो होते हैं वो बुध और शुक्र मंगल होते हैं। तो ऐसे में अगर हम बुध को ठीक कर ले, मंगल को ठीक कर ले, तीसरे घर से रिलेटेड कोई भाई बहनों से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस घर के कारकों को ठीक करते हैं, उससे संबंधित चीजों को ठीक करते हैं, तो हमारी कुंडली ठीक होनी शुरू हो जाती है, उसमें बैठी हुई राशि को ठीक कर लेते हैं, हमारी कुंडली जो है वो उससे संबंधित हमारे सारे ग्रहण जो है वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई भी समस्या है, आज हम बात करेंगे इलायची के अचूक उपाय और जो कि व्यापार के लिए है। और इलायची जो मैंने आपको ये तीसरा घर इसलिए बोला है क्योंकि तीसरे घर का कारक जो होता है वो बुध होता है और बुध जो है वो इलायची का कारक है। बुध की कारक चीज क्या है? इलायची है, इलायची। तो इलायची जो होती है आप देखेंगे, इलायची जो है हरे रंग की छोटी छोटी इलायची जो होती है ये बड़ा कमाल दिखाती है तो ये छोटी सी और देखिए सुगंधित और इसके अंदर से दाने निकलते हैं। तो ये शनि और बुध का अचूक रूप खुशबू, ये जो ये हरे रंग का इलायची है ये प्योर प्रॉपर आपकी बुध है और इसके अंदर छोटे छोटे दाने जो है वो काले रंग के, वो शनि का रूप जो है रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी सुगंध जो है, जो अच्छी खुशबू इसमें से आती है वो शुक्र को दर्शाती है। तो एक इलायची तीन ग्रहों का काम कर रही है और इससे आपने क्या काम लेना है आज मैं आपको बताऊंगी, ऐसे ऐसे अचूक उपाय जिससे आपके शादी के, व्यापार के हर समस्याएं आपकी सुलझती चली जाएंगी, आपके घर में कलेश वगैरह जो है होने बंद हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, देखिए इलायची के मैंने आपको बताई थी और इलायची के अगर मैं आपको फायदे बताऊं तो आप लोगों को सबसे मेरे से ज्यादा ही बताऊंगे कि क्या क्या इसके इलायची के फायदे होते हैं। अब ये जो इलायची है इसका सबसे पहला उपाय मैं आपको ऐसा बताऊंगी इलायची के, आज मैं आपको जो है तीन ऐसे बढ़िया उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ कि जिससे आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो पहला उपाय जो है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि पांच इलायची लेनी है आपने और इन इलायचियों के साथ में आपने पांच आपने कपूर की टिक्की लेनी है। पांच इलायची और पांच कपूर की टिक्की आपने सफेद रंग की पोटली में डालकर उसे बंद कर सफेद रंग की स्क्वायर सा पीस आप बना लीजिए पोटली में, उसमें पांच कपूर की टिक्की और पांच जो है इलायचियां डालकर आपने उसे अपने रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे रखना है। क्यों रखना है? अगर तो आपके मियां बीबी के घर में कलेश रहते हैं, मियां बीबी के घर में कलेश रहते हैं, आपके घर में झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े कलेश वगैरह की स्थिति अगर आपके यहाँ पर बनती है तो ये पांच इलायची और पांच कपूर आपके जीवन में क्या चमत्कार ला देंगे जो आप इतने बड़े बड़े उपाय करके भी नहीं ला पाएंगे, वो चमत्कार आपको जीवन में देखने को मिलेगा। कलेश की स्थिति रहती है। अब लोग कहते हैं कि कलेश खत्म हो जाए तो व्यापार पे चलते हैं, तो व्यापार को ठीक करने के लिए क्या करना है? तो व्यापार को ठीक करने के लिए भी आपने लेनी है पांच इलायचियां। पांच अब इलायची लेनी है आपने, देखिए लेनी तो आपको बार बार इलायची ही है, उसके साथ में क्या लगाना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो पांच इलायची आपने देखिए ले ली और साथ में कपड़ा आपको सफेद ही लेना है, बार बार मैं आपको बताऊंगी कि कपड़ा आपको सफेद लेना है जो पोटली आपको बनानी है। पांच इलायची के साथ में आपने क्या करना है कि तीन लौंग आपने जो है इसमें डाल देनी है। पांच इलायची के साथ में तीन लौंग आपने डालनी है और साथ में तीन ही कपूर की टिक्कियां, पांच इलायची, तीन लौंग, तीन कपूर की टिक्कियां
डालकर आपने सफेद रंग की, अगेन आपने पीले सफेद रंग की एक पोटली बना लेनी है और उसके अंदर ये सारा सामान आपने डाल लेना है और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चमत्कार आना शुरू हो गया है। उसे आप जब भी अपने घर से कोई बिजनेस मीटिंग में जाएंगे, जेब में होनी चाहिए आपकी, पॉकेट में होनी चाहिए, लेडीज के पर्स में होनी चाहिए। आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप जो अपने घर से व्यापार के लिए जा रहे हैं, किसी से काम लेने के लिए जा रहे हैं, कोई बंदा आपके ऑफिस में आकर काम करवा रहा है, तो आपकी जेब में ये कपूर, इलायची और लौंग की जो ये पोटली है जरूर जरूर होनी चाहिए। और ये इलायची, कपूर, लौंग के जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आज नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों में आप किसी भी दिन जो है ये बना लीजिए और नवरात्रों से ही रख लीजिए, नवरात्रों में ही रख लीजिए ये पोटली को, जो नवरात्रों में रख लीजिए। अब जो लोग जो है ये बाद में मेरा वीडियो देखेंगे, नवरात्रों में नहीं रख पाए हैं, तो वो किसी भी बुधवार वाले दिन, बुध की होरा, सुबह सुबह जो बुध की होरा अगर आप निकालेंगे, नेट से चेक करेंगे बुध की होरा आपको पता चल जाएगी, नहीं तो बुधवार को सुबह 6 बजे आप कर लीजिए ये उपाय, कर लीजिए बुधवार को सुबह 6 बजे आप ये पोटली को अपनी जेब में डाल लीजिए। ये आपको चमत्कारी आपको रिजल्ट देगी, आपको जीवन में चमत्कार होगा। पति पत्नी के लड़ाई झगड़े, घर के अंदर जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो आपके जो है होने बंद हो जाएंगे और जो है आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस रिलेटेड कोई समस्या हो, व्यापार से रिलेटेड कोई समस्या हो, किसी से आप पैसे मांगने के लिए जाते हैं आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि कहते हैं कि भाई जो है ना कैसे पैसे मांगे और कैसे वो करे, लेकिन इस पोटली को अभिमंत्रित करने से पहले आपको मैं एक उपाय भी बताऊंगी, आपको मैं एक मंत्र भी बताऊंगी, जो आपने जो है आपने इस मंत्र को पढ़ने के बाद उसको अभिमंत्रित कैसे करनी है वो भी आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हमने बात की, अभी कलेश हो रहे हैं और हमने बात की कि हम वो पोटली को रखेंगे अपने सिरहाने के नीचे और उसमें महालक्ष्मी का कोई भी बीज मंत्र या माँ दुर्गा का कोई भी बीज मंत्र, ओम दुर्गाए नमः, ओम महालक्ष्मी पत्ते नमः, ओम दुर्गाए नमः, ओम महालक्ष्मी पत्ते नमः का 108 बार जाप करने के बाद, पोटली को हाथ में पकड़कर जाप करने के बाद, ऐसे पोटली को पकड़ लिया, जाप कर लिया, कोई भी रुद्राक्ष की माला पे जाप कर लीजिए, उंगलियों पे गिन लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए, और वो जाप करने के बाद अपने सिरहाने में रखनी है उसको। जब जाप कर लेंगे, पोटली को माथे से लगाएंगे, उसे चूमेंगे, अपने सिरहाने के नीचे डाल लेंगे, पति को पत्नी को नहीं बताएंगे कि हमने पोटली को हमने छुपा रखा है। ऐसे ही व्यापार करने के लिए जब आप पोटली को बना लेंगे, ओम लक्ष्मी पत्ते नमः, ओम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए या कोई बीज मंत्र का जाप करते हुए, कोई भी आपको जाप जो आपको लगता है कि एक माला लक्ष्मी जी की, एक माला माँ दुर्गा की, ये जाप करने के बाद आप वो पोटली अपनी जेब में रखेंगे जो भाई बहन जो है व्यापार के लिए पोटली बना रहे हैं। उसके बाद जिन लोगों के घर में कलेश रहता है, मैंने आपको बता दिया, और व्यापार नहीं चल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये पोटली हमेशा आपकी जेब में जो है वो होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो ऐसे हमारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है, एग्जाम्स आने वाले हैं और वो एग्जाम्स में जो है वो सफल नहीं हो रहे हैं और जो है वो चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर्स लाएं, अच्छे हम उसमें अच्छे हमारा जो है रिजल्ट जो है हमारा बहुत अच्छा आए, तो ऐसे में क्या करेंगे, अब हम फिर एक पोटली बनाएंगे 5 इलायची की और 5 लौंग की, बच्चों की पढ़ने के लिए 5 इलायची 5 लौंग, इसमें कपूर नहीं डालना है, बच्चों का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, कपूर डालना शुक्र का होता है कपूर, तो हम बच्चों को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन उनकी बुध जो बुद्धि का देवता है, बुध आपकी कॉमन सेंस को बढ़ाता है, बुध आपके विस्तार करता है, बच्चों के अंदर बुद्धि आएगी, अरे मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, अरे मैं अपना जो है ये क्यों अपना जो है अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, बच्चों के दिमाग में ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आनी चाहिए। अगर उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत है, कोई उनके दिक्कत परेशानी है, तो आपने हमें ये तीसरी पोटली हमें जो है वो बनानी है। अब तीसरी पोटली हम कैसे बनाएंगे, एक सफेद रंग का अगेन कपड़ा लेंगे, कपड़ा सूती होना चाहिए, रेशमी कपड़ा अगर मिल जाता है तो रेशमी ले लीजिए, वैसे सूती जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि सूती कपड़े में से उसकी फ्रेग्रेंस भी जो है वो आपको अच्छी तरीके से बाहर निकलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, 5 लौंग 5 इलायची लेंगे और उसकी पोटली बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 पोटलियां बनाएंगे जहां पर आपका बच्चा पढ़ता है, पोटली को वहां पर रखेंगे, उसकी स्टडी टेबल पर रख देंगे, और जहां पर आप एक पोटली को अपने बच्चे की जेब में रखवाएंगे,
जब भी वो पढ़ेगा उसकी जेब में रखवा दीजिए। अगर वो बच्चा पूरा दिन पोटली ले लेके नहीं घूम सकता है तो उसकी जेब में रखवा दीजिए, और जब वो पढ़े, जब वो पढ़ना वो कर देगा, बंद कर देगा, तो आप उसकी पोटली को निकालकर उसकी टेबल पर जहां पर एक पोटली पहले पड़ी हुई थी उस पोटली के साथ पे दूसरी पोटली को भी रख देंगे। अब दूसरी चीज हम और क्या कर सकते हैं, इसके एडिशन एड ऑन क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को ईज की डिडक्शन में बैठकर पढ़ा सकते हैं। अगर आपका बच्चा ईज की डिडक्शन में बैठकर पढ़ रहा है तो इस पोटली को आप वहां पर टांग भी सकते हैं। उसकी कुछ आपने जैसे कोई, अगर आपने कोई नोटिस बोर्ड वगैरह लगा रखा है तो उस पोटली को वहां पर टांग दीजिए और बच्चे को बोलिए कि बस इस पोटली को हाथ लगाए। और जब भी वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, कई बच्चे तो बड़े समझदार होते हैं और करने में बड़ा इनको इंटरेस्ट भी होता है, तो ये बच्चे जो है ओम सरस्वती नमः का जाप करके, ओम सरस्वती नमः का जाप करके एक माला, सरस्वती माता के कोई भी बीज मंत्र का जाप करके ये पोटली जो है वो 108 बार बोलकर ये पोटली को लटका लेगा और एक पोटली को अपने बच्चे जो है अपनी जेब में डाल देंगे। अगर बच्चे पोटली पे जाप नहीं करते, मना कर देते, नहीं मम्मी हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं जाप करेंगे, तो आप उनके लिए जाप कर दीजिए, पिता उनके लिए जाप कर दीजिए, कोई जाप कर दीजिए, लेकिन आप उनको जाप करने के बाद ही ये पोटली को मंत्रित अभिमंत्रित करने के बाद ही उसको पोटली को बच्चे को अपने उसमें रखाइए। जब जब आप जाप करेंगे, जैसे जैसे बैठेंगे, जैसे हम व्यापार के लिए कर रहे हैं तो व्यापार के लिए आपके लिए चमत्कार रिजल्ट देगी, तो आप अपने व्यापार के बारे में सोच सोच के पोटली को बनाइए। और दूसरी थिंकिंग कोई आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। जब हम कॉन्सेंट्रेट ऑन सिर्फ पोटली पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी समस्या पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने व्यापार पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, घर में कलेश वाली पोटली है तो घर में कलेश वाली स्थिति को ही आप जो है कॉन्सेंट्रेट करके वो पोटली बनाइए। पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई की बात को दिमाग में डालकर, दिमाग में सोचकर मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, पोटली को रखने से पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव सोचेंगे पोटली कोई काम नहीं करेगी। आप पूरा दिन अगर मैं वहां पर जा रहा हूँ पैसे तो मिलेंगे नहीं, फिर क्या करेगी पोटली? आप सोचिए मैं पोटली को लेकर जा रहा हूँ, पैसे मुझे मिलेंगे, आज एक बार नहीं मिलेंगे, दो बार नहीं मिलेंगे, तीसरी बार में जरूर मिलेंगे। और जाप अगर आप कर सकते हैं, जितनी बार जाप करेंगे, अब कई लोग कहते हैं कि हाँ अभी मुझे ये पोटली को अब क्या करना है, मैं रोज रोज कैरी नहीं कर सकता, तो वो उसे अपने घर के मंदिर में रख दे और उसके बाद देखिए वहां पर धूप दीप तो आपका रोज जलता ही होगा और पोटली भी आपकी मंत्रित होती रहेगी। फिर उसको आप जब जाएंगे तो आप अपने साथ में उसको लेके चले जाइए। कई लोग जो दुकानदार भाई हैं हमारे, जो काम कर रहे हैं दुकान पे रख रहे, तो वो अपने दुकान के गल्ले में भी इस पोटली को रख सकते हैं। जो व्यापार वाली पोटली मैंने आपको बताई है, जिसमें हमने जो है वो भी डालनी है, कपूर की टिकिया भी डालनी है, तो ये जो है आप अगर आप उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती हूँ, आज बच्चे भी खुश हो गए होंगे, व्यापार वाले लोग भी खुश हो गए होंगे, और जो है मियां बीबी सबके, तीनों के मैंने आपको ऐसे अचूक उपाय और ऐसा ही चमत्कार। इलायची जो है साक्षात बुद्ध का रूप है, माँ सरस्वती को कभी कभी आप इलायची अगर चढ़ा देते हैं तो आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। राहु से रिलेटेड जितने भी हमारे दोष हैं, जितने भी हमारे परेशानियां हैं, वो भी आपकी दूर होती है। छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी हम इलायची दे दें, उससे भी हमारे जो है वो बुद्धे अच्छे होते हैं, आपका व्यापार जो है वो चलने लग जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे और बड़े ही सस्ते उपाय लेकर हमेशा मैं आती हूँ और आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहती हूँ। और ये उपाय टेस्टेड होते हैं, जो हम लोगों पे करवा चुके हैं, उनको रिजल्ट मिले हैं, उन्होंने फीडबैक दिया है और जो है उसी हिसाब से आपको ये उपाय जो है वो बताते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर किसी और प्रोग्राम के माध्यम से आपसे मिलूंगी। लेकिन कुंडली पर जरूर काम कीजिए, अपने ग्रहों पे काम कीजिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, भगवान ने आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम सबको देके भेजा, अगर आपके पास है तो आप भाग्यशाली हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ टाइम है। और अपनी पत्री पे पूरा कुंडली एनालाइजेशन करवा के अपनी कुंडली के 5 से 6 उपाय आप ले सकते हैं, अपने जीवन में चमत्कार 15 दिनों में आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव। क्या आपके जीवन में भी है कोई समस्या और नहीं मिल पा रहा है उससे छुटकारा? आपकी कुंडली का हर ग्रह कुछ कहता है, हर भाव कुछ कहता है, आपकी कुंडली जो है वो बोलती है,
अगर आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो है निराशा ही निराशा है, तो आप देखें, और आपके पति पत्नी के आपस में नहीं बन पा रही है, तो देखें आपके कुंडली का सातवां घर क्या कहता है, सातवां घर के कारक क्या कहते हैं, सातवें घर में बैठी हुई राशि क्या कहती है, उस पर पड़ती हुई दृष्टियाँ क्या कहती हैं। तो इन सब चीज़ों के एनालाइजेशन के लिए आपकी महादशा क्या कहती है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, हर चीज़ का समाधान बताते हैं आदित्य परिवार में, आदित्य कुंडली में। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो समाधान है हमारे पास। तो आइए अपनी कुंडली का विवेचन करवाइए, अपने जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान आप हमसे पा सकते हैं अपने इस बेहद खास प्रोग्राम क्या कहते हैं आपके सितारे में। अगर आप भी अपनी कुंडली को करवाना चाहते हैं जागृत और शुभ ग्रहों की करवाना चाहती हैं प्लेसमेंट, और खराब ग्रहों को जो है आपको खराब ग्रह आपके जीवन में आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे पाए, तो आज ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं, अपनी कुंडली को जागृत करवाएं और अपने ग्रहों की प्लेसमेंट करवाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली पाएं। राधे राधे।